के नहीं। भगवान बुद्ध की पावन शरण को इस समय उच्च कोट के लोगों ने स्वीकार किया है जो विश्व विख्यात हैं, और वो कौन कौन हैं? गीत के माध्यम से बताना चाहेंगे, सुने सभी लोग। और ये बड़े बड़े महानायक आए ललिता, और बड़े बड़े महानायक आए बुद्ध धम्म संघ में, और सबके मन में शील समाए उनके जीवन में बुद्ध का मार्ग पाया है कि जीवन सफल बनाया है। बुद्ध का मार्ग पाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। बुद्ध का मार्ग पाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। ये बड़े बड़े महानायक आए बुद्ध धम्म संघ में, करुणा मैत्री शील समाये उनके जीवन में। बुद्ध का मार्ग पाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। बुद्ध का मार्ग पाया है, का दीप जलाया है। मेरे भाई बहनों, कौन कौन बड़े बड़े नायक आए आपको बताना चाहेंगे। गगन मलिक जो कि महानायक भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान कन्हैया का किरदार किया करते हैं, टीवी चैनल के द्वारा ध्यान देकर के सुने। रामायण महाभारत शिव पुराण में सबसे बड़ा रोल किया करते थे। जब उन्होंने बुद्ध का रोल किया, हृदय परिवर्तन हो गया, बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली और 84,000 प्रतिमाओं बांटने का काम किया। यदि आपको पता ना हो तो देख लेना, मेरे पास में स्क्रीन शॉट रखा है, आपको दिखा देंगे। ओम वीर बौद्ध हो, बड़े बड़े महानायक आए बुद्ध धम्म संघ में। बुद्ध की करुणा शील समाये उनके जीवन में। बुद्ध का मार्ग पाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। बुद्ध का मार्ग पाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। और रामायण में श्री राम का पाठ निभाया करते थे। जब उन्होंने जाना गौतम को, मैंने जाना गौतम को, तब नई चेतना आई मन में। नई चेतना आई मन में और पाखंड मिटाया उनके फल भर में। और बड़े बड़े महानायक
ज्ञान का दीप जलाया है, बुद्धि का मार्ग पाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। और एक बात और बताएं, ये तो बात भाई गगन मलिक की, जिन्होंने जब भगवान बुद्ध का किरदार किया तो भगवान विष्णु कृष्ण राम सभी के चरित्र को छोड़ करके बुद्ध के चित्र और चरित्र पर चल के बुद्ध धम्म ग्रहण किया और 84,000 प्रतिमा बांटने का बीड़ा उठाया, जो कि कई हजार बांट चुके हैं और कई हजार बटनी बाकी हैं। और दूसरे महानायक कौन? ए महानायक अमिताभ जी, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता है? हाथ उठाओ, कौन कौन जानता है अमिताभ बच्चन को? सभी जानते हैं, अरे सारा विश्व जानता है, जिन्होंने बंबई में फिल्म स्टार्टिंग की थी बिग बी। उन्होंने क्या किया, शायद आप लोगों को जो हम बता रहे हैं पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग विचार नहीं करते हो। सुनो, बुद्ध कथा को सुनाते हैं। और बता देना चाहता हूं जितने भी हमारे बौद्ध धर्म के कथावाचक हैं, इन्होंने शायद आप लोगों को ये बात नहीं बताई होगी जो ओमवीर बौद्ध बता रहे हैं। बोलो सही कह रहे या गलत कह रहे? अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया है इस देश से पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए, बहुत बड़ा उपकार किया है, बुद्ध के पदचिन्हों पर चलते हैं, बुद्ध के विचारों पर चलते हैं। उन्होंने स्क्रीनशॉट मेरे पास रखा है, बुद्ध का संदेश दे रहे हैं, बुद्ध की कथा कह रहे हैं, लेकिन पाखंडियों को यह बात हजम नहीं हुई। अमिताभ बच्चन ने या उनके पिताजी अभिषेक बच्चन ने अपने नाम के पीछे जात नहीं लगाई, बाद में कह दिया कि हम भारतीय हैं, इसी पर बिलबिला गई, कहने लगे ये तो देशद्रोही जैसी बातें करते हैं। अरे भाई, भारत में रहने वाला हर नागरिक भारतीय नहीं तो और क्या है? समझाते हैं और है बिग बी तुम्हारा अभिनंदन, है बिग बी तुम्हारा अभिनंदन, बुद्ध के चरणों में किया वंदन, बुद्ध के चरणों में किया वंदन। और अमित अमित अमिताभ जी, अटल अमित अमिताभ जी ने मार्ग पाया है, बुद्ध धम्म और संत सभी मन में भाया है, बुद्ध का मार्ग पाया है, ज्ञान का दीप जलाया है, बुद्ध का मार्ग पाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। Oh,
के धम्मो शंगो में। और बता देना चाहता हूँ इस समय लोक गायिका बहन खुशबू तिवारी ब्राह्मण समाज की है। बहन खुशबू तिवारी जो बुद्ध का गुणगान करती हैं, बहुत ही सुंदर सुहावना सुर में गाती हैं। तो कहने का मतलब बुद्ध का धम्म इस देश में विकसित होने लगा है, फैलने लगा है, बढ़ने लगा है। और ऐसा ही रहा तो शायद आने वाले समय में पुनः ये भारत बुद्धमय होगा, सोने की चिड़िया होगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। ए बड़े बड़े महानायक जी आए बुद्धि धम्म संघ में। करुणा में अपनी शील समाए सबके जीवन में बुद्धि का मार्ग पाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। बुद्धि का मार्ग पाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। ओ, 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 ओ